नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, रात को पानी में बादाम को भिंगोकर अगर आप सुबह खाते हैं तो इसके फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है कि रात को बादाम को पानी में भिंगो दीजिए और फिर खाइए और इसके फायदों के बारे में आज हम सभी जानते हैं। दोस्तों, शरीर की खोई हुई शक्ति पाने के लिए बादाम की गिरी को दूध में उबालकर पीना लाभकारी रहता है। दोस्तों, जो बच्चे अभी बोलना सीख रहे हों और आप उनकी इस देरी से चिंतित हों तो भी मक्खन के साथ रात को भींगी और छिली हुई गिरी खिलाएं, बोलने लगेंगे वो। कमर दर्द जैसे रोगों का अच्छा उपचार है बादाम का सेवन। दोस्तों, अगर आप कमर दर्द से जूझ रहे हैं तो आपके लिए बादाम रामबाण की तरह काम करेगा। दोस्तों, महिलाओं के प्रसूता होने पर उन्हें किसी न किसी रूप में बादाम देना कमजोरी दूर करेगा। दोस्तों, दांतों की रक्षा के लिए बादाम के छिलकों को जलाकर मंजन तैयार करें और प्रतिदिन प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। दोस्तों, यदि सुनने की शक्ति कम होने का भय हो तो बादाम रोगन की एक एक बूंद प्रतिदिन कान में डालें, लाभ होगा। दोस्तों, औरतों को सफ़ेद पानी लिकोरिया बीमारी हो जाने पर बादाम की गिरियां रात भर भिंगोएं, प्रातः खिला दें यानी कि सुबह सुबह खिला दें। दोस्तों, लाभ होगा। सिर की खुश्की मिटाने के लिए सिर पर बादाम रोगन की मालिश करें, आपको लाभ होगा। बादाम के ऑयल से अगर आप मालिश करते हैं तो बाल न झड़े, इसके लिए भी सिर पर बादाम रोगन की मालिश कर सकते हैं आप। दोस्तों, दिमागी काम करने वालों को 5 से 7 बादाम प्रतिदिन खाने चाहिए, यह शक्तिशाली टॉनिक है। दोस्तों, मंद बुद्धि भी तीव्र कर देता है ये बादाम तथा बादाम रोगन। बादाम को चबाकर खाने से पूर्व कुछ घंटे पानी में भिंगो कर रखें, छील कर खाएँ अथवा छिलके सहित फिर पीस कर खाएँ तो पूरी पौष्टिकता मिलेगी। दोस्तों, बादाम अपने असीम स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। भींगे बादाम स्वादानुसार ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कच्चे बादाम से बहुत बेहतर होते हैं। दोस्तों, दरमियाने कद के पेड़ पर बादाम लगते हैं। इस पेड़ पर सफ़ेद तथा गुलाबी रंग के फूल लगते हैं। अप्रैल में लगे फूल अगस्त में फल बन जाते हैं। दोस्तों, फल हरे रंग का छिलका लिए होता है। छिलके में से निकला कच्चा बादाम बहुत सुपाच्य तथा रुचिकर होता है। भारत में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसकी अच्छी फसल होती है। अफगानिस्तान तो जैसे बादाम का घर ही है। दोस्तों, फल का पूर्ण मालाकार तथा बारीक कंगूरेदार होता है। उपचार भी जान लेते हैं आज हम कि क्या क्या इससे उपचार होते हैं यानी कि फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, भींगे बादाम के फ़ायदे। बादाम अपने असीम स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है और यह सबसे ज़्यादा याददाश्त को बढ़ाने में मदद करने के लिए जाना जाता है। बादाम आवश्यक विटामिन और मिनरल जैसे विटामिन ई, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, लेकिन इन सभी पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए बादाम को खाने से पहले रात भर पानी में भिंगोना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बादाम के भूरे रंग के छिलके में टनिन होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। एक बादाम को पानी में भिंगोने से छिलका आसानी से उतर जाता है और नट्स को पोषक तत्वों को रिहा करने की अनुमति देता है। भींगा हुआ बादाम पाचन में भी मदद करता है। यह लाइपेज नामक एंजाइम की विज्ञप्ति करता है जो वसा के पाचन के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा भींगे हुए बादाम आपके स्वास्थ्य के लिए कई अन्य और फायदे दे सकता है। दोस्तों, जैसे हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है ये बादाम। ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छे होते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि बादाम का सेवन करने से ब्लड में अल्फा टोकोफेराल की मात्रा बढ़ जाती है जो किसी के भी रक्तचाप को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। अध्ययन से यह भी पता चला कि नियमित रूप से बादाम खाने से एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नीचे लाया जा सकता है। दोस्तों, और यह 30 से 70 वर्ष की आयु के बीच के पुरुषों में विशेष रूप से प्रभावी होता है। रात में पानी में भिंगोकर सुबह छिलका उतारकर बादाम खाने से
पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो यह बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा दोस्तों। बादाम खाना खाने के बाद शुगर और इंसुलिन का लेवल बढ़ने से रुकता है, इससे डायबिटीज से बचा जा सकता है। तो फिर किस बात की देरी, आप हर रोज़ सुबह भींगे हुए बादाम खाकर अपने शरीर को पोषण तत्वों से भरपूर बना सकते हैं दोस्तों, निरोगी बना सकते हैं। इसके अलावा वजन घटाने में भी मददगार होता है बादाम। इसमें मोनो अनसेचुएटेड फैट आपकी भूख को रोकने और पूरा महसूस करने में मदद करता है। भींगा हुआ बादाम एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत है। यह मुक्त कणों के नुकसान से बचाकर उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को रोकता है। भींगे बादाम में विटामिन B17 और फोलिक एसिड कैंसर से लड़ने और जन्म दोष को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ खराब कोलेस्ट्रॉल के नियंत्रण में भी ये काम आता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल की समस्या आज भारत में सबसे आम बीमारियों में से एक होती जा रही है। उच्च कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग और दिल की धमनियों में रुकावट सहित कई प्रकार के रोगों का एक कारक है। इस समस्या के लिए बादाम आपकी मदद कर सकता है। बादाम शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में बहुत मददगार होता है दोस्तों। दिल को स्वस्थ रखें। वैज्ञानिकों के शोधों के अनुसार बादाम एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करता है। बादाम के ये गुण दिल को स्वस्थ रखने और पूरे हृदय प्रणाली को नुकसान और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करता है। अगर आप दिल की बीमारी के किसी भी रूप से पीड़ित हैं तो स्वस्थ रहने के लिए अपने आहार में भींगे हुए बादाम को आप शामिल करें दोस्तों। बादाम के फायदे, अक्सर लोगों को लगता है कि बादाम केवल दिमाग को दुरुस्त रखने में कारगर है, लेकिन बादाम में मौजूद मिनरल्स, विटामिन, डाइट्री फाइबर दिमाग को तरोताज़ा रखने के साथ साथ शरीर की मेटाबॉलिज्म में भी मददगार होता है, जो रोज़ाना बादाम का सेवन करना सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। आज हम आपको बादाम के गुणों के बारे में तो बताए हैं दोस्तों, अभी तक आप सुनते आ रहे थे। रोज़ाना बादाम की अगर 5 से 8 गिरी खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल रहता है। इसके तेल की मालिश से छोटे बच्चों को बहुत लाभ होता है दोस्तों। खून में शुगर की मात्रा और इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में ये काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। नियमित रूप से इनका सेवन करने से डायबिटीज जैसी बीमारी को भी काबू किया जा सकता है दोस्तों। बादाम खाने से कब्ज की परेशानी दूर होती है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से पाचन क्रिया मजबूत होती है। गर्भवती महिलाओं के लिए बादाम बहुत फायदेमंद होता है। इसमें फोलिक एसिड मौजूद होता है दोस्तों, जिससे मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इससे बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए ये काफ़ी लाभदायक होता है गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें ओमेगा-3 पाया जाता है। 4 से 5 बादाम रोज़ाना खाने से याददाश्त मजबूत होती है। सर्दी के मौसम में रोज़ाना 5 से 7 बादाम का सेवन करना अच्छा होता है। गर्मी के दिनों में बादाम की गिरी को रात में पानी में भिंगोकर सुबह छिलका उतार कर खाना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली मुख्य बात होती है दोस्तों कि सर्दियों में आप छिलके के साथ खा सकते हैं बादाम को, गर्मियों में आप बादाम को भिंगो दें रात को और सुबह उसका छिलका उतार करके तब खाएँ, आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। तो ये थी आज की हमारी जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।